हेलो गाइस, कैसे हैं आप? माय नेम इज सीए विवेक धर्मशी और आज हम आपके लिए और एक वीडियो लेकर आए हैं। यस, और ये जो वीडियो है ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो स्पेसिफिक टॉपिक विच इज परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सेक्शन 51 से लेकर सेक्शन 58 ये सारे ही 8 सेक्शंस को कवर करेंगे। यस, सो चलिए लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज सेक्शन 51 से लेकर 58 क्या बोल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? शुरू करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज बता दूं कि अगर आपने पहले के जितने भी वीडियोस हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर अपलोड किए हैं अगर वो नहीं देखें तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसको एकदम अच्छी तरह से प्रॉपरली पहले देखें, समझें, सीक्वेंस में सारे वीडियोस देखें तो ही आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। क्लियर है? पक्का? तो चलिए लेट अस स्टार्ट वन बाय वन, क्या कहता है सारे सेक्शंस और एग्जांपल्स के साथ जितने हो सके उतना हम लोग एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको हर सेक्शन क्या कहता है उसकी समझ आए। ठीक है, चलिए। नो, सबसे पहला है सेक्शन 51 और सेक्शन 51 कहता है प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म। अब आप कहेंगे बापरे प्रोमिसर के क्यों नहीं परफॉर्म करेगा, जरा आगे तो देखिए, अनलेस रेसिप्रोकल प्रोमिस is ready and willing to perform, unless reciprocal promisee ready and willing to perform. In short, बड़ा ही सिंपल है, जब तक सामने वाले ने जो प्रोमिस किया है अगर वो साइमल्टेनियसली अपना प्रोमिस नहीं निभाता तो इवन प्रोमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे से कोई कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि मैं अपना प्रोमिस निभाऊं अगर सामने वाले ने जो मुझे प्रॉमिस किया है वो उसे फुलफिल करने के लिए अगर रेडी नहीं है, विलिंग नहीं है, तो फिर मैं भी मेरा प्रॉमिस क्यों फुलफिल करूं, क्यों प्रॉपरली उसको परफॉर्म करूं? तो वही नीचे यहां पर प्रॉपरली सेक्शन 51 कहता है व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मैंने भी कुछ प्रॉमिस किया है कि मैं ये करूंगा और सामने वाले ने भी प्रॉमिस किया है कि वो भी इसमें कुछ करेगा, जो कि साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना है। मतलब मैं और वो जो भी हमने प्रॉमिस किया है उसे हम साइमल्टेनियसली परफॉर्म करेंगे, बट प्रोमिसर नीड नॉट परफॉर्म हिज प्रोमिस। क्यू? बिकॉज द प्रोमिसी इज स्टिल नॉट रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म व्हाट वाज हिज प्रोमिस। अगर सामने वाले ने जो मुझे प्रोमिस किया है वो नहीं कर रहा, वो विलिंग नहीं है उसे परफॉर्म करने के लिए, तो फिर मैं भी मेरा प्रॉमिस नहीं निभाऊंगा। अगर हम इसको 2 मिनट एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लें यहां पर, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर स्पेसिफिकली लिखा गया है ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए विल डिलीवर द गुड्स एंड बी विल पे ऑन द डिलीवरी। मतलब जब भी बी डिलीवरी लेने आएगा वो उसे पैसे देगा और ए ने कहा जैसे ही तू मुझे पैसे देगा मैं तुझे गुड्स डिलीवर कर दूंगा। अब ऑब्वियसली बात है ए नीड नॉट डिलीवर जब तक बी उसे उसके पैसे नहीं दे देता। यस और नो? वेरी सिंपल। जब तक बी पैसे नहीं देता, बी ने क्या प्रॉमिस किया था, आई पे यू द प्राइस एंड गेट द डिलीवरी, तो ए क्या कहेगा, जब तक आप अपना प्रॉमिस नहीं निभाते आई विल ऑल्सो नॉट फुलफिल माई प्रॉमिस। वॉट वॉज ए प्रॉमिस? टू डिलीवर द गुड्स। क्लियर है? सेक्शन 51 समझ में आया? अब सेक्शन 52 क्या कहता है? सेक्शन 52 कहता है अगर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस डिसाइडेड है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ये पहले बोला गया था कि पहले मैं अपना प्रॉमिस करूंगा फिर आप अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना, तो रूल कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये स्पेसिफाइड है तो उसी ऑर्डर में लोगों ने अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करना है। सो व्हेन द ऑर्डर ऑफ द प्रॉमिस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट they shall be performed in that order only, and where the order is not expressly fixed they shall be performed in that order which the nature of transaction requires। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई किया है तो भाई उसी ऑर्डर में जाइए, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो ऑब्वियसली इट विल डिपेंड अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। जो भी आपका ट्रांजैक्शन है, जो भी चीज के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, नॉर्मली बिजनेस में पहले क्या होता है, पहले कौन अपना प्रॉमिस निभाता है, वैसा आपको करना पड़ेगा। सो ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट्स दैट ए शैल बिल्ड द हाउस फॉर बी एट अ फिक्स प्राइस। मतलब इनमें यह कंफर्म हुआ था कि जिस दिन तू मेरे हिसाब से मेरे लिए घर बनाकर देगा उसके बाद मैं तेरे को पेमेंट करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट में ये ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस डिसाइडेड था कि घर बनाने का प्रॉमिस पहले होगा और पेमेंट का प्राइस बाद में।
तो रूल कहता है अगर ऐसा था तो बाद में पेमेंट करेंगे जब घर बन जाएगा, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लेटर से ऐसा लिखा है जिस दिन आप मुझे पेमेंट करोगे उसी दिन मैं आपका घर बनाना शुरू करूंगा, तो फिर रूल कहता है वैसा होगा। जैसे यहां पर ए'स प्रॉमिस टू बिल्ड द हाउस मस्ट बी परफॉर्म बिफोर बी'स प्रॉमिस टू पे फॉर इट। ऑब्वियसली अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपने स्पेसिफाई किया जैसे मैंने अभी आपको बताया तो फिर आपको उसी ऑर्डर में अपने प्रोमिसेस को परफॉर्म करना होगा। इसलिए नॉर्मली जब हम कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये पहले से मेंशन किया जाता है कि हम कितना काम करेंगे, तब आप हमें कितना पेमेंट करोगे, पेमेंट लास्ट में होगा या पार्ट पेमेंट में होगा, कितना काम हो जाने के बाद कितना परसेंट मिलेगा, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है, जिससे बाद में ये दिक्कत ना हो कि ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में हमने हमारा प्रॉमिस नहीं निभाया या सामने अदर पार्टी ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया है। क्लियर है? दो सेक्शन हो गए हमारे। थर्ड क्या कहता है? लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग द इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। मतलब ये ऐसा हो गया कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को रोक रही है अपने प्रॉमिस को निभाने से, अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने से। तो जब ऐसा होगा तो बताइए सामने वाला क्या करेगा? यस, सामने वाले के पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल मतलब वॉइड कर सकता है और चाहे तो कंपेंसेशन भी ले सकता है अगर उसको कोई लॉस हुआ होगा तो। अगर आपको याद है आपने स्पेसिफिकली मेरा एक पीछे एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि मैंने मेरे प्लम्बर को एक काम दिया था कि तू मेरे घर पर आकर मेरा जो भी प्लम्बिंग का काम है वो ठीक कर दे, राइट? और उसके बाद मैंने कभी उसको मेरा घर का एड्रेस बताया ही नहीं है, मैंने उसकी कॉल्स उठाई नहीं। इसका मतलब कहना है इसे कॉन्ट्रैक्ट जो था वो प्लम्बिंग वर्क का था एंड आई वॉज प्रिवेंटिंग द अदर पार्टी टू परफॉर्म हिज पार्ट। ऐसे वक्त पर क्या वो मुझे लाइफ टाइम कॉल करता रहेगा या वो कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाएगा? ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाएगा, ही कैन मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। और अगर उसका कोई टाइम बर्बाद हुआ है, उसको कोई मेरे वजह से लॉस हुआ है, तो ऑब्वियसली वो उससे भी मेरे से कॉम्पेंसेशन ले सकता है। सो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस एंड वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग द प्रॉमिस, देन ही इज एंटाइटल्ड टू कंपेंसेट फ्रॉम द अदर पार्टी फॉर एनी लॉस ही मे सस्टेन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? आई होप यहां तक सारी बातें हो गई। एक एग्जाम्पल ले लेंगे। सो ए एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया दैट बी शैल एग्जीक्यूट सम वर्क फॉर 1000। ठीक है, दोनों ने काम किया कि मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा और तू मेरे लिए वो काम करना। बी रेडी भी है कि वो काम खत्म करने के लिए, बट ए उसे वो काम करने ही नहीं दे रहा। तो ऐसे वक्त पे तो अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? बी के ऑप्शन पर वॉइडेबल हो जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो कैंसिल कर सकता है, रिसाइन कर सकता है एंड ही कैन रिकवर फ्रॉम ए कंपेंसेशन विच ही हैज इनकर्ड बाय इट्स नॉन परफॉर्मेंस। क्लियर? श्योर अबाउट दिस? पक्का एकदम अच्छी तरह से समझ में आया? लेट्स गेट बैक टू सेक्शन 54। नाउ सेक्शन 54 क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू द प्रोमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। मतलब जो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस थी जहां पर किसी ने अपना प्रोमिस नहीं निभाया, ऐसे समय पर अब क्या होगा? तो हमने पहले ही देखा है व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस सच दैट एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता या उसका परफॉर्मेंस नहीं क्लेम किया जा सकता जब तक सामने वाला अपना परफॉर्मेंस परफॉर्म नहीं करता, तो सच प्रोमिसर कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस टिल द टाइम द प्रोमिस फ्रॉम द अदर पार्टी इज डन। ऐसे समय पर अगर वो नहीं करता है तो वी मस्ट मेक अ कंपेंसेशन टू द अदर पार्टी फॉर एनी लॉस विच दैट पर्टिकुलर पार्टी हैज सस्टेन फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर एग्जाम्पल ले लेंगे। ए ने हायर किया बी को टू शिप एंड टेक फ्रॉम कोलकाता टू मॉरिशस अ कार्गो विच द ए विल प्रोवाइड, राइट? तो ए ने बी को कहा क्या मैं तू तेरा शिपिंग का काम है तो आई विल रिक्वायर योर सर्विसेज, मुझे इस पर्टिकुलर कार्गो कोलकाता से मॉरिशस लेके जाना है और बदले में ए बी को जो है वो फ्रेट देगा। सो बी रिसीविंग अ सर्टन फ्रेट फॉर दैट कन्वेंस, बट ए ने कभी कार्गो ही नहीं दिया। अब मुझे बताइए जब तक ए कार्गो नहीं देगा, बी का जो काम था कि शिप को कोलकाता से मॉरिशस लेके जाना, क्या वो हो पाएगा? क्या नहीं? जब तक ए अपना प्रॉमिस नहीं निभाता, बी अपना प्रॉमिस कैसे निभा सकता है? तो इसीलिए रूल कहता है ए कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ बीज प्रॉमिस।
एंड अगर वो कभी कार्गो देता ही नहीं है तो याद रखें उसे बी को कंपेंसेट करना पड़ेगा अगर बी का उसमें कोई लॉस हुआ है ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस। मतलब लेट अस से फॉर एग्जांपल आपने कभी उसको कार्गो नहीं दिया और बी आपकी वेट करता रहा और उसके पास और भी कस्टमर्स आ रहे थे बट उसने बाकी सारे कस्टमर्स को रिजेक्ट किया ये सोचकर कि आपका काम करना है बट कभी आपने उसको काम दिया ही नहीं तो फिर बी को आपको कंपेंसेट करना पड़ेगा। क्लियर है पक्का? सेक्शन 55 क्या कहता है? इफेक्ट्स ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर टाइम इज असेंशियल। मतलब टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने पहले भी सुना होगा टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब टाइम की कीमत है और ये कॉन्ट्रैक्ट में मेंशनड है कि ये टाइम पे ये होना ही चाहिए, अगर ये टाइम पे नहीं हुआ तो परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस का कोई मतलब नहीं होगा। तो रूल कहता है व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसेस टू डू सर्टन थिंग बिफोर द टाइम एंड फेल्स टू डू दैट थिंग at or before the specified time, the contract or so much of it which has not been performed becomes voidable at the option of promisee if the intention of the party was that the time should be the essence of contract. Very simple, clear है? तो यहाँ पर time is the essence of contract. याद रखना है अगर contract में time specified किया गया था कि ये time से पहले हो जाना चाहिए, अगर सामने वाले ने उस time तक नहीं किया है तो फिर अब ये contract प्रॉमिसी के ऑप्शन पर वॉइडेबल हो जाएगा, वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। क्लियर है? बट इफ इट वॉज नॉट द इंटेंशन ऑफ पार्टीज दैट द टाइम शुड बी द एसेंस देन द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल जस्ट बाय अ फेलियर टू डू इट एट अ सच पर्टिकुलर टाइम बिफोर। बट याद रखना है द प्रोमिसर इज एंटाइटल्ड कंपेंसेशन फ्रॉम द प्रोमिसी फॉर एनी लॉस ओकेजन टू हिम बाय सच फेलियर। मतलब अगर नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड नहीं कर सकते बट हाँ एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई समय पर नहीं किया, वो अपॉर्चुनिटी चली गई, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ, तो अगर उसमें कोई लॉस हुआ है तो आप क्लेम कर सकते हो। अब रूल कहता है टाइम मेंशन था और उसने वो टाइम पर नहीं किया फिर भी आपने उसका प्रॉमिस जो है उसका परफॉर्मेंस जो है वो एक्सेप्ट किया तो अब ऐसे वक्त पे क्या होगा? सो इफ इन केस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल मतलब तो क्लियर हो गया कि टाइम पर काम नहीं हुआ था ऑन अकाउंट ऑफ प्रोमिसर्स फेलियर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस एट द टाइम एग्रीड बराबर बट द प्रोमिसी कैन एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस ऑफ सच प्रोमिस एट एनी टाइम अदर देन एग्रीड। मतलब टाइम पर नहीं हुआ फिर भी प्रोमिसी उसका परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर रहा है एट एनी टाइम अदर देन द एग्रीड द प्रोमिसी नाउ कैनॉट क्लेम द कंपेंसेशन फॉर एनी लॉस ओकेजन बाय द नॉन परफॉर्मेंस एट द टाइम एग्रीड unless at the time of acceptance of promise he has given the notice to the promisor of his intention to do so. Very simple, very straightforward. मैं अगर आपको एकदम अच्छी तरह से बता दूं, let us say for example एक particular person था और उसको मेरे को sweaters देने थे let us say winter season में। अब यहाँ पर time is the essence of contract, yes time is the essence of contract, मतलब अगर वो मुझे 3-4-5 महीने लेट देता है जब तक कि समर सीजन आ जाती है तो वो स्वेटर्स मेरे क्या काम के। तो हमने स्पेसिफिकली बोला गया था कि भाई टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेट से फॉर एग्जांपल दिसंबर चला गया, जनवरी चला गया, फरवरी चला गया, उसने अभी तक मुझे स्वेटर सप्लाई नहीं किए हैं, तो कैन आई से दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट माई ऑप्शन? यस आई कैन मेक दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एंड ऑब्वियसली क्लेम कंपेंसेशन। मुझे जो भी लॉस हुआ है, काश मैं स्वेटर्स बेच पाता तो जो मुझे जो प्रॉफिट होता दैट इज द क्लेम, दैट इज द कंपेंसेशन दैट आई कैन डिमांड फ्रॉम दैट पर्सन। बट लेट से फॉर एग्जाम्पल उसने जनवरी में स्वेटर्स मुझे सप्लाई किए, राइट जनवरी में मुझसे मुझे स्वेटर सप्लाई किए और मैंने वो एक्सेप्ट भी कर लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट एग्री टाइम पर नहीं हुआ, बाद में हुआ, लेकिन फिर भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो रूल कहता है अब मैं उससे कंपेंसेशन नहीं ले सकता। लेकिन सब्जेक्ट टू मैंने जब जनवरी में उससे स्वेटर्स की डिलीवरी ली, मतलब स्पेसिफाइड टाइम तक नहीं हुआ था काम, उसके बाद हुआ था, फिर भी मैंने उसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली, मैंने फिर भी स्वेटर्स की डिलीवरी ले ली, लेकिन अगर एक्सेप्ट करते वक्त मैंने उसको ये स्पेसिफिकली बोला है कि मैं आपसे कंपेंसेशन लूंगा तो फिर आप बाद में ले सकते हैं। लेकिन एक्सेप्टेंस के वक्त आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा कि मैं आपको छोड़ नहीं रहा हूं, मैं आपसे कंपेंसेशन लूंगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबॉडी? The next is section 56 and it is an agreement to do impossible act. अभी impossible act का मतलब है कि ऐसा agreement आपने किया है जो संभव ही नहीं है, impossible है। अब ऐसी चीज का agreement करना जो impossible है, common sense it is void,
राइट. सो अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स इम्पॉसिबल और बाय सम रीजन ऑफ सच इवेंट व्हेन द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल कुड नॉट प्रिवेंट देन दैट पर्टिकुलर विल बिकम वॉइड. तो ऐसा नहीं है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तब वो एक्ट इम्पॉसिबल था. हो सकता है तब वो एक्ट पॉसिबल था लेकिन उसके बाद वो इम्पॉसिबल हो गया. मतलब अब वो कॉन्ट्रैक्ट में जो मेंशन्ड है वो आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली वॉइड हो जाएगा. सो यहां पर अगर आप देख सकते हैं वेयर वन पर्सन हैज प्रोमिस टू डू समथिंग विच ही ऑलरेडी नोज के ये कॉन्ट्रैक्ट जो है पॉसिबल नहीं है या अनलॉफुल है, तो ऐसे वक्त में फिर भी आपने अगर सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा फॉर एनी लॉस जो नॉन परफॉर्मेंस के थ्रू हुआ हो. एग्जांपल अगर आप देखेंगे, ए ने बी को बोला कि मैं तेरे लिए खजाना ढूंढ सकता हूं सब्जेक्ट टू तू मुझे 100 पैसे दे. अब मुझे बताइए, दीज ऑल आर हाइपोथेटिकल थिंग्स. ये सारी चीजें हैरी पॉटर ये वो फिक्शनल जगह पर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता. और अगर आपको मालूम है कि ये इम्पॉसिबल है फिर भी आपने सामने वाले को ईड़ा बनाया और आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड रहेंगे. अगर हम इसको इन डेप्थ देखें तो आप समझ गए होंगे देयर आर टू चांसेस, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तभी मालूम था कि ये संभव नहीं है. सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है जिस दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन तो ये पॉसिबल था, उस दिन तो सारा बराबर था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद इम्पॉसिबल हुआ है तो उसे हम सब्सिक्वेंट या सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोलेंगे. अब दोनों को एक एक करके देख लेंगे. तो यहां पर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है व्हेन द पार्टीज एग्रीड अपॉन डूइंग समथिंग विच वॉज पहले से इम्पॉसिबल. ऐसे एग्रीमेंट तो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनते ही नहीं, वो पहले से ही वॉइड रहते हैं. सो ये जरूरी नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है ये पार्टीज को पता था या नहीं पता था. व्हाट मैटर्स इज कि वो पॉसिबल था या नहीं था. तो लेट अस से अगर मैंने एक व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि क्या तू मेरी कार 5 लाख में खरीदेगा, और उस वक्त पर मुझे नहीं मालूम था बट मेरी कार डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, आग लग गया था, मेरा कार वॉज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड बट मुझे नहीं पता था, ना सामने वाले को पता था, और हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कभी कॉन्ट्रैक्ट बना क्या? नहीं, द एग्रीमेंट वॉज वॉइड बिकॉज जिस पर्टिकुलर चीज का हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वो पहले से इनिशियली इम्पॉसिबल था. यहां पर आप जैसे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, अ हिंदू विच वॉज ऑलरेडी मैरिड कॉन्ट्रैक्टेड टू मैरी बी अगेन वन मोर हिंदू गर्ल. सो ए बी मैरिड एज पर द लॉ कैन नॉट मैरी बी. नाउ इन दिस के अगर ए हैज टू मेक अ कंपेंसेशन टू बी इफ शी हैव देयर इज एनी लॉस दैट हैज बीन कॉज्ड टू हर बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो अब यहां पर तीन सिनेरियोज अगर हम कंसिडर कर लें कि दोनों पार्टीज को मालूम था कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो संभव नहीं है. यस, दोनों को ही पता था तो कॉमन सेंस से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड. क्लियर है? दोनों को नहीं पता था कि कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है. जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अब जैसे अगर मैंने आपके साथ एक एग्जाम्पल किया कि मैं आपके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर को जिंदा कर दूंगा, ये आपको भी मालूम है कि ये संभव नहीं है, मुझे भी मालूम है संभव नहीं है, तो अगर हम ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वॉइड. सेकंड केस में लेट अस से मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कार का, मैं आपके साथ कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं जबकि वही टाइम पर कार मेरी जहां पर थी इट मेट विथ फायर टुक प्लेस एंड द कार इज टोटली डिस्ट्रॉयड. अब ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है, वी बोथ आर इग्नोरेंट, तो ऐसे समय पर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड. लेकिन इम्पॉर्टेंट तो यहां पर है कि जो एक व्यक्ति है उसे मालूम है कि वो सामने वाले को ईड़ा बना रहा है, उसे पता है कि कॉन्ट्रैक्ट संभव नहीं है, फिर भी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसे पता है कि ये कभी नहीं होने वाला, तो फिर याद रखना जिस दिन ये पता चलेगा प्रोमिसी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपेंसेशन फॉर एनी लॉस ही सफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस. बिकॉज एक व्यक्ति को पता था कि ये कभी नहीं होने वाला, फिर भी उसने सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ऑब्वियसली उसका इंटेंशन था ही कि कभी परफॉर्मेंस नहीं होगी, और ऐसे समय पर अगर सामने वाले को लॉस होता है तो वो क्लेम कर सकता है, एंड द प्रोमिसी इज एंटाइटल टू क्लेम एंड द प्रोमिसर हैज टू गिव कंपेंसेशन इफ एनी लॉस इंकर्ड. राइट. ठीक उसी तरह से देर इज अ सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी. मतलब क्या? जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब तो सब बराबर था, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट ही अनलॉफुल हो गया या इम्पॉसिबल हो गया. सो वे द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस हैज बिकम इम्पॉसिबल और इलीगल बाय सम इवेंट और चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस विच वॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स
void. In other words, sometimes performance of contract is possible when it was made, but subsequently it became impossible or unlawful to perform. मैं आपको एक example देता हूँ. So मेरा एक friend है जिसकी शादी है, and we went to book a banquet hall. अब हमने banquet hall book किया, agreement किया, हमने उसको 3 lakh rupees advance भी दिया. अब let us say the wedding was 2 months later, or within 1 month earthquake हुआ and the whole banquet hall came down. पूरा का पूरा building destroy हो चुका था. अब मुझे बताइए, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब तो ये संभव था, तब तो ये सब बराबर था, तो इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट. बट उसके बाद अर्थक्वेक हुआ एंड द बिल्डिंग केम डाउन. अब मुझे बताइए, इट इज इम्पॉसिबल ना, दो जो परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस था, द वेडिंग कैन नॉट टेक प्लेस देयर, यस और नो? तो ऐसे समय पे द कॉन्ट्रैक्ट हैज नाउ बिकम वॉइड बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस हैज बिकम इम्पॉसिबल. ऐसे समय पे सामने वाले को जो मैंने 3 lakh रुपीज एडवांस दिए थे उसको वो मुझे लौटाने पड़ेंगे. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? सो इट इज ऑल्सो इट्स जैसे सच इम्पॉसिबिलिटी इज नोन एज सब्सिक्वेंट और सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी. द इफेक्ट इज दैट द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड एंड द पार्टीज आर डिस्चार्ज फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? नाउ सेक्शन 57 क्या कहता है? सो इट सेज, सो reciprocal promise to do certain things that are legal and also some other things that are illegal. मतलब आपने ऐसा contract किया है, ऐसा promise किया है जिसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो legal है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो illegal भी है. तो rule कहता है जो चीज legal है वो valid होगा और वो promise perform किया जा सकता है, और जो चीज illegal है वो रहेगा void, वो आप perform नहीं कर सकते. तो example देखेंगे, A and B ने agreement किया, I will sell you the house for 5 lakhs and if you use it for a gambling purpose, then I will sell you for 7 lakh 50. Now the rule says the first set of promise that I will sell you house and you pay me 5 lakhs is a valid contract. But the second where I will sell you my house for 7 lakh 50 and you use it for gambling purpose, such is unlawful and therefore it cannot be performed. That illegal part is void. Clear hai? Sure about this? And the last section what it says is, so in the case of alternate promise, one is legal and the other is illegal, the legal part only can be enforced. तो यहां पर आप example देख सकते हैं, A and B agree that I will pay you 1 lakh for which B afterwards will give me either rice or opium, that is drugs. So rule says now this contract will be valid if you are delivering rice and it will be void if you deliver opium. इसीलिए सेक्शन 58 कहता है कि अल्टरनेटिव प्रॉमिस वेयर वन ब्रांच बीन इलीगल, द पार्ट व्हिच इज इलीगल विल नेवर बी परफॉर्म्ड, इट विल ऑलवेज बी वॉइड, एंड द ब्रांच व्हिच इज लीगल इट कैन बी एनफोर्स्ड एंड दैट विल ऑलवेज बी वैलिड. क्लियर है? सॉरी अबाउट दिस. आई होप यहां पर आपको रेसिप्रोकल प्रॉमिस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया. सेक्शन 51 से लेकर सेक्शन 58 हमने सारे 8 सेक्शंस यहां पर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से मैं आपको समझा रहा हूं. ये सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर हो गई. बात बड़ी सरल है. कुछ सेक्शंस बात करते हैं टाइम पर, कुछ बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ परफॉर्मेंस, कुछ बात करते हैं जब तक सामने वाला परफॉर्म नहीं करेगा हम नहीं करेंगे, और स्पेसिफिकली अगर उस प्रॉमिस में अनलॉफुल या लॉफुल पार्ट है तो सिर्फ लॉफुल पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अनलॉफुल पार्ट नहीं होगा. और ऑब्वियसली सेक्शन 56 द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर एंटर करते वक्त ही पता है कि इम्पॉसिबल है तो इट इज वॉइड, लेकिन एंटर करते वक्त सब बराबर था तो इट विल बी वैलिड, लेकिन उसके बाद अगर कुछ ऐसी चीज हो जाती है जहां पर परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल या अनलॉफुल है तो फिर से वो वॉइड बन जाएगा. तो ये सारी बातें सेक्शन 51 से 58 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हमने देखी. होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और इट्स ऑल कंप्लीटली बट इफ दिस बेनिफिट्स यू आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू. थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडी. है ना? बाय बाय.